This Gupta, in last video we have discussed about the basics about the NFA. Now in this video we have another question based on a NFA construction. The question is, construct a minimal finite automata that accept a language containing all binary strings where each string start and ends with different symbol. ये सेम क्वेश्चन हमने DFA के केस में भी किया था. DFA भी इस सेम क्वेश्चन के लिए हमने बनाया था. नाउ इस क्वेश्चन से फाइनाइट ऑटोमेटा मींस आप NFA भी डिजाइन कर सकते हैं, आप DFA भी कर सकते हैं. इस वीडियो में हम क्योंकि NFA कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए NFA डिजाइन करेंगे. नाउ सबसे पहली चीज हमें लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज क्या बन रही है. तो वो बोल रहा है ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स. ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स मतलब 0-1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहली चीज. एंड कंडीशन है कि स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल. इट मींस यदि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड आपका 1 से होना चाहिए, और बीच में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है ऑल बाइनरी स्ट्रिंग और एब्स्ट्रिक यहां पे स्टार लगा है 0 प्लस 1 पे एब्स्ट्रिक. इट मींस 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. अब स्टार्टिंग 0 हो सकता है तो एंड हमारा क्या हो सकता है, 1 से हो सकता है. एक तो ये चीज हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 से हम स्टार्ट करें और 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए और 0 से आपका एंड हो सकता है. तो स्टार्ट विद सेम सिंबल, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल. यहां 0 से स्टार्ट, 1 से एंड, 1 से स्टार्ट, 0 से एंड. तो ये हो गई इसके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारी लैंग्वेज. नाउ अब हमें इस क्वेश्चन के लिए ये देखना है कि अब हम इसके लिए NFA कैसे कंस्ट्रक्ट करें. तो NFA कंस्ट्रक्ट करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने DFA कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है NFA के लिए भी, कि हम सबसे पहले जो भी हमारी बेसिक स्ट्रिंग है उस बेसिक स्ट्रिंग्स के लिए हम बना ले. बेसिक स्ट्रिंग ये हम बोल रही हमारी कि स्टार्टिंग 0 से है, हो और एंड क्या हो, एंड हमारा यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड हमारा 1 से होना चाहिए. तो स्टार्ट विथ 0 एंड विथ 1, ये हमने देख लिया. और दूसरी चीज ये तो हो गया 0 और 1 के लिए. अब हम 1 से स्टार्ट यदि कर दें तो हमारा 0 से एंड होना चाहिए. यदि 1 से स्टार्ट किया है मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो वो क्या किससे एंड हो सकता है, मेरा 0 से एंड हो सकता है. तो 1 से स्टार्ट किया, 0 से एंड कर दिया, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई. तो ये तो हमारी बेसिक मशीन बन गई. अब इसको हम नेम दे दें, लेट सपोज ये Q0 स्टेट हो गई, ये Q1 स्टेट हो गई, ये Q2 स्टेट हो गई, ये हमारी Q3 स्टेट हो गई. अब यदि DFA होता इस क्वेश्चन में तो हमें DFA के केस में ये देखना पड़ता कि 0 और 1 का ट्रांजेक्शन यहां पे हो गया. तो यहां पे हम यदि 1 का ट्रांजेक्शन हो गया तो 0 का ही लूप लगा सकते थे. यहां पे 0 का ट्रांजेक्शन हो गया तो 1 का ही लूप लगा सकते थे. क्यों? क्योंकि DFA के केस में एक सिंबल से आप किसी अनदर स्टेट, एक ही स्टेट पर जा सकते हो, मल्टीपल स्टेट्स पर नहीं जा सकते DFA में. बट NFA में ये पॉसिबिलिटी है कि आप Q1 से 1 लेके Q3 पे जा रहे हैं तो Q1 से 1 लेकर आप Q1 पे भी आ सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स हो सकती है. क्योंकि उसका ट्रांजिशन फंक्शन है कि Q मल्टीप्लाई हम इनपुट सिंबल्स को करें तो 2 टू द पावर Q स्टेट्स हो सकती हैं. नाउ अब इस केस में हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर दिया, 1 से हमने एंड कर दिया, यहां पे हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, 0 से एंड कर दिया, तो 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पे इन बिटवीन हो सकता है. तो यहां पे भी 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो यदि इस मशीन को हम देखें तो दिस इज अ NFA नॉट DFA. क्योंकि DFA होता तो यहां पर 1 का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता था क्योंकि 1 का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. तो दिस इज अ NFA. और जब हमने इसके लिए NFA बनाया तो सबसे पहली चीज हमें बेसिक रिक्वायरमेंट यदि अब इस क्वेश्चन की हम चेक करें तो वो बोल रहा था 0 से स्टार्ट हो और 1 से एंड हो. यस, 0 से स्टार्ट 1 से एंड हो रहा है, या 1 से स्टार्ट हो और 0 से एंड हो रहा है, डिफरेंट सिंबल्स हो गए. स्टार्ट विथ से डिफरेंट, स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल. अब यदि मैं ऐसे बोलूं कि जिससे स्टार्ट किया उसी से एंड होना चाहिए तो ये मेरे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. तो 0 1 1 0 0 मैं किसी एक नॉन फाइनल स्टेट Q1 पे ही रह गया, मैं Q3 तक फाइनल स्टेट पर तक नहीं पहुंच पाया तो ये मेरी एक्सेप्ट नहीं. या फिर मैं 1 से स्टार्ट करूं, 1 के बाद में कितने भी 1 आ जाए, 1 आ जाए और एंड भी 1 से करना चाहूं तो नहीं होगा. 1 1
0 0 अब 1 यहां पे नहीं जा सकते तो यहीं पे हम 1 ले सकते हैं तो q2 पे ही हम रह गए हम q3 तक पहुंच ही नहीं पाए सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनएफए कंस्ट्रक्शन रिमेंबर वन थिंग यदि यहां पर डीएफए होता तो हमें एक काम और करना पड़ता कि ये फाइनल स्टेट पहुंच गए तो इस स्टेट पर भी हमें ट्रांजिशन शो करने पड़ते हमें यहां पे 0 और 1 का ट्रांजिशन शो करना पड़ता और यदि नहीं कर पाते तो हमें एक ट्रैप और डमी स्टेट तक पहुंचना होता बट क्योंकि हम एनएफए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एनएफए कंस्ट्रक्ट करने के केस में हम यहां पर कोई भी 0 और 1 का ट्रांजिशन शो करने की जरूरत भी नहीं है ये भी पॉसिबल है कि यहां पर क्योंकि एनएफए के केस में कोई भी ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट नहीं होती तो दिस इज अ कंप्लीट एनएफए सो थैंक यू सो मच